हेलो दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं सहायक अध्यापक लिखित भर्ती परीक्षा के दूसरे मॉडल पेपर को लेके, जो कि गणित विषय का है। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को, और उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, जिससे कि संपूर्ण जानकारी पेपर की मिल सके, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ सकता है और उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे वाले अपकमिंग वीडियो आपको जल्दी से पहले मिल सकें। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक है, यदि संख्या 5432 *7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जी हाँ, तो देखते हैं इसके लिए क्या है। सबसे पहले अगर आपने 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ा हो तो बहुत ही आसान है, इन अंकों का योग कर लें, और यदि 9 से कट जाता है अंकों का योग तो समझिएगा 9 से विभाज्य है, अदरवाइज नहीं है। तो अंकों का हम योग कर लेते, 5 5 + 4 + 3 + 2 + 7 इजिक्वल टू कितना आएगा, 5 4 9 3 12 13 14 14 और 7 21। अब चूंकि 9 से विभाज्य है, ये पहले से क्वेश्चन में दिया है, तो 21 में कितना जोड़ें कि जो 21 के पास वाली संख्या 9 से विभाज्य वाली आ जाए। तो +6 यदि हम कर दें तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 27, और जो 27 है वो 9 से विभाज्य, अतः स्टार के स्थान पर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर दो है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है, माना संख्या x है, तो प्रश्नानुसार संख्या का 1/5 बराबर है संख्या के उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक। तो इस प्रकार से लिखेंगे और इनको इस साइड लाएंगे तो ये होगा x कोष्ठक 1/5 - 1/7 = 10, और दैट सॉल्व करेंगे। जी हाँ, तो इसको भिन्न में सॉल्व करेंगे, 7 7 - 5/7 = 35 = 10, घटाएंगे 2/35, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, और संख्या आपकी आएगी x = 5 × 35 = 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 17। तो ये संख्या हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1% के आधे को दशमलव में क्या लिखा जा सकता है। 1%, तो सबसे पहले 1 का प्रतिशत 1/100, और इसको लिख सकते हैं 0.01 का आधा बराबर 0.01/2 बराबर 0.005। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें जानते हैं जिसपे बार होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 0.34667.+0.133333.. और इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारा प्राप्त, तो यहाँ से ऐड होके 0.480101010.. तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4801 का बार। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, संख्या 4/5 7/8 6/7 5/6 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले इनको क्या करें, हम दशमलव में बदल लेते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इनको दशमलव में बदल के रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। जी हाँ, तो इसको जब हम दशमलव में चेंज करते हैं तो ये आता है 0.8075.857.833। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है, अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये हो गई एक नंबर पर, उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, तीसरी बड़ी संख्या ये हो गई, और चौथी बड़ी संख्या ये हो गई, 3 की घात बराबर। तो देखते हैं, 18 + 54
इनसे काट देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, तो संख्या आपकी दूसरी वाली आ गई, दूसरी संख्या बराबर 126 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी बहुत आसान है, इस टाइप का कल मैंने लगवाया भी था उसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन अलग था लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। यदि चीनी के मूल में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा जिससे कि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इसका भी फॉर्मूला ये होता है, 100 × a / 100 + 20। अब यहाँ पे प्लस क्यों किया गया है ये देख लें, प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई है, अगर 20% कमी होती तो यहाँ पे माइनस कर देते, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्रतिशत में आ जाएगा, 100 × 20 / 100 + 20 = 100 × 20 / 120, 20 × 6 = 120 = 100/6। इसको हल कर लें, ये 50 आ जाएगा बटे 3, और इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 3, और यहाँ पे 3 × 6 = 18, अब बचा कितना 2/3, तो 16 सही, 2/3% निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है तो प्रतिशत लाभ बताओ, ये भी आसान है, देखते हैं इसमें कौन सा मान लें कि क्रय मूल्य को हम CP कहते हैं और विक्रय मूल्य को SP कहते हैं, तो प्रश्न अनुसार ये लिखा है, क्रय मूल्य यानी CP विक्रय मूल्य का यानी SP का 90% है, तो 90/100 यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये निकल के आएगा CP / SP = 9/10, तो यहाँ से निकले CP 10 है, SP आपका तो SP 10 है, CP 2 मतलब 9 रुपये में वस्तु खरीदी गई, 10 रुपये में बेच दी गई। अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर SP - CP / CP, जी हाँ, चूंकि आंसर प्रतिशत में निकालना है तो 100 कर दीजिएगा और बस आ गया आंसर, तो SP - CP यानी कि 10 - 9/9 × 100, और कितना हो जाएगा आपका 1/9 × 100, और जब इसे हम हल करेंगे तो निकल के आएगा 11.1%, तो इतना आपका प्रतिशत लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की बात है, समझ लेते हैं, कोई त्रिभुज है आपका, उसके शीर्ष दिए गए, ये मान ले A, B और C, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, यहाँ पे आपका इनके ये दूरी पर होगा, यहाँ पर स्थित होगा, तो ये पूछा गया है, ये बिंदु शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आया, इसको हम परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र। अच्छा क्वेश्चन है, SSC में भी इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करें, संख्याएं निकाल लें, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 30 संख्याओं का योग, प्रथम 30 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, 30 × इनका औसत × 40 = 1200, इसी प्रकार से द्वितीय 40 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 × 30, तो टोटल निकल के आया ये भी 1200 आ गया। अब क्या निकालेंगे इन्हें हम, संख्याओं का कुल योग, तो कुल योग कितना निकल के आएगा बराबर 1200 × 2400। अब हमें निकालना है
संख्याओं का कुल औसत, अब कुल संख्याएं आपके पास एक ये बनी, एक ये, दो से 2400 निकला, तो कुल औसत या औसत संख्याओं का कुल औसत बराबर कुल संख्याएं यानी 2400 बटे 30 संख्याएं, ये थी 40, ये थी, तो टोटल हो गई आपकी 70 संख्याएं। और बस इनको हम हल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, काट देते हैं, 7 × 21 अब बचा आपका 3, 30 हो गया, 7 × 28 अब बचा 2/7, 34 सही, 2/7 आ गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है आपका अनुपात से, ए अनुपात बी बराबर 7:9 है, बी अनुपात सी बराबर 5:7 है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके निकालने के लिए हम डायरेक्ट एक बढ़िया सा फॉर्मूला बता रहे हैं, ए अनुपात बी लिखा है और ये आपका बी अनुपात सी है, तो इनका निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, समझ में आ गया होगा, ये ए बी लिखा था, बी सी लिखा था, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, अनुपात इसका इससे करना है, अनुपात इसका इससे करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से पहले संख्याओं को हम लिख लेते हैं, तो 7:9, फिर लिखना है दूसरी वाली संख्याएं 5:7, मल्टीप्लाई इसी आधार पर करना है, इसी आधार पर करेंगे तो सबसे पहले इनका इनका करते हैं, तो 7×35 / 9×5 = 45 अनुपात इनका इनका करना है 9×7 = 63, हमें निकालना किसका, ए अनुपात सी बराबर, तो ए का कितना है 35 अनुपात सी का कितना है 63, इस प्रकार से तीनों संख्याओं को निकालना हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा, बस इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ₹150 में ब्याज, साधारण ब्याज प्राप्त करना है, साधारण ब्याज, ब्याज दिया गया, कुछ नहीं लिखा, साधारण 6 माह के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना धन देना हो, माना एक्स धन देगा, तो क्या होता है मूलधन गुणा दर, दर कितने 4 गुणा समय, समय आपका 6 माह दिया है, चूँकि वार्षिक ब्याज निकाला जाता है, वार्षिक ब्याज लिखा भी है, तो यहाँ पर 6 महीने को वर्ष में बनाएंगे, तो 1/100 और बराबर हमें प्राप्त होता है ₹150, बस इनको हमें हल कर देना है, तो देखते हैं क्या आता है। हाँ जी, यहाँ पे जो 6 माह का हमें वर्ष बनाना, तो 1/2 वर्ष बनेगा, जी हाँ, 1/2 आधा वर्ष, 2 × 2, 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से काट दीजिए, 2×5 = 10, 0, तो एक्स बराबर 150 × 50 = 2, 0, 15 × 5 = 75, तो इतने रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो माना आपने ₹P लगाए थे और 2 वर्षों बाद 2.25 गुना हो गए, ये आपका A आ गया, तो सीधे सूत्र लगाते हैं, A = P क्वेश्चन में 1/R/100 से, तो देखते हैं, बहुत आसान है, एक ही जगह 2.25 P = P और कोष्ठक में 1+R/100 दर निकालनी है, गुणा घाते हैं 2 समय, तो इसको पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 225/0 हटाने के लिए 100 = 1+R/100 / 2, इसको सॉल्व कर दें, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या यहाँ से निकल के ये आ जाएगा आपका 15/10, 5 से काट दिए, 5 × 3 = 15, 5×2 = 10, 1 जाकर भेज दो, इस तरह भेज दें, 3/2 − 1 = R/100, इनको हल करेंगे, 2×1/2 = R/100, इनको जब सॉल्व करेंगे तो R का मान आ जाएगा 50%, तो जी हाँ 50% वार्षिक ब्याज की दर से लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पाइप की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तथा पाइप का ब्यास 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ पाइप में कितना पानी आएगा, तो पाइप, पाइप का मतलब एक सिलेंडर से हो गया, तो सिलेंडर का आयतन आपको यहाँ पे निकालना है, तो क्या होता है आयतन, πr²h बराबर, तो देखते हैं, मान रखते हैं पाई का मान 22/7 × r, आर त्रिज्या दी नहीं गई, ब्यास दिया गया है, तो ब्यास बराबर हम जानते हैं त्रिज्या बराबर ब्यास 2/2, तो ब्यास आपका 2 दिया है, 2/2 = 1 त्रिज्या आ गई, तो गुणा 1 × h, h का मान है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बराबर 22 घन
सेम हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दी 3.415 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था पिछले वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन एक दिया था। तो यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन 5×1 दशमलव के बाद वाले में कितने अंक बाद दशमलव के कितने अंक बाद अंक आया, तो तीसरे अंक पे है तो इसमें 1000 का आपका गुणा हो जाएगा, तो 5/1000 ये संख्या आपका आ जाएगा। अगला है 4.5 बार का मान मिश्र भिन्न में निकालो। तो इसका मैंने पिछले पेपर में भी क्वेश्चन दिया था, लेकिन इसका हम सॉल्व और सरल तरीका लेके आए हैं, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। बिल्कुल आसान है, जितने दशमलव के पहले संख्याएं हों वो यहाँ पे लिख दें सही में, और ऊपर जितने पे बार चढ़ा है वो ऊपर लिख दें, और बटे में बार वाले के लिए 9 लिख दें संख्या, बस आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन फिर से एक भिन्न दी है हमने पिछले वाली तरीके से, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए जो सही में दही 2×4, 2−4+4 पहले इनको रख लेते हैं, और उसके बाद में 7/6−3/8+1/4 अब इन्हें हम हल करते हैं। तो देखते हैं यहाँ से ये 4-4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे हम लगता हम लेंगे 24, 6×4 चार बार गया 4×7=28 −8×3=24 तीन का ऊपर गुणा करेंगे 9+4×6=24, 6×6 तो 2, और यहाँ पे निकल के आएगा आपका 25/24। फिर से एक बार भाग चले जाएगा 2+1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आएगा 1/24। अब लिख दीजिएगा कितना आया, =3 सही 1/24। जी हाँ, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। और भी क्वेश्चन पेपर आपको अन्य विषय के भी डालते रहेंगे मॉडल पेपर, अभी और भी भर्तियाँ निकली उनके लिए भी मिलेगा मेरे पास सिलेबस, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सपोर्ट करें और लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी को इस चीज़ के मॉडल पेपर प्राप्त हो सकें और उनका सपना पूरा हो सके जो अध्यापक बनना चाहते हैं। जी हाँ, धन्यवाद।